जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम घूमेंगे पराग कैसल। हम जानेंगे कि पराग कैसल कैसे जा सकते हैं, डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ पे कितने एरिया है, कितने सेक्शन है, कहाँ आपको घूमना चाहिए और कहाँ नहीं घूमना चाहिए। उससे पहले हम जानेंगे कि हम कहाँ रुके थे पराग सिटी में, ये होटल कितने का था, कितना चार्ज था और इसकी एमिनिटीज क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा स्विट्जरलैंड सीरीज देखा होगा तो हमने काफी बजट ट्रैवल किया था क्योंकि वो महंगा कंट्री है, लेकिन चेक रिपब्लिक कंपैरेटिवली काफी इकोनॉमिकल है और यहाँ पर हमने 4-स्टार प्रॉपर्टी ली थी जो बहुत सस्ती थी। मगर हमारी प्रॉपर्टी थी पराग मेन स्टेशन से मेट्रो ट्रेन के 15 मिनट की ट्रैवलिंग पर। इतना अच्छा रेट जिसमें हमें मिलता है स्विमिंग पूल और जगुजी जो हमने कभी ट्राई नहीं किया था, इसलिए ये प्रॉपर्टी हमें अच्छी लगी और हमने यही स्टे किया 2 दिन। यहाँ पर जो हमको कमरा मिला था काफी बड़ा था और अच्छा था। चलिए मैं आपको एक रूम का टूर कराता हूँ। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो लेफ्ट साइड में बहुत ही अच्छा बाथरूम था, साफ सुथरा। यहाँ पे बहुत बड़ा आईना था, बाथ टब था, नहाने के लिए अरेंजमेंट था। इसके बाद जब हम रूम के अंदर जाते हैं तो रूम में एक बहुत ही बड़ा बेड बिछा हुआ था, बहुत ही अच्छा विंडो था जहाँ पे अच्छा व्यू मिलता था। यहाँ पर एमिनिटीज के लिए आपके पास केटल था, टेबल था, इसके अलावा एक मिनी बार था, आपके लिए एक लॉकर था। तो ये सारी एमिनिटीज ये रूम के लिए थी। तो अब ये तो हो गया हमारे रूम का टूर, आज का हमारा जो टूर है चलिए वो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं पराग कैसल। गूगल मैप में जब हमने चेक किया तो हमारे पास 2 रास्ते थे, जिसमें एक में समय कम लग रहा था और चलना ज्यादा पड़ रहा था, दूसरे में समय ज्यादा लग रहा था चलना कम पड़ रहा था। हमने कम चलने वाला रूट लिया जिसमें हमें ट्रेन और ट्रैम दोनों का मजा मिल सकता था। तो हमने ली पैंक्रैक से ट्रेन जो हमें लेके गई IP पावलोवा। IP पावलोवा से 22 और 23 नंबर की ट्रैम जो आपको ले जाती है पराग कैसल। हमने ली 23 नंबर की ट्रैम जो एक हेरिटेज ट्रैम थी, इसमें भी आप अनलिमिटेड डेली टिकट निकाल सकते थे कार्ड के थ्रू। तो ये काफ़ी यूनिक लगा। पराग कैसल जाते समय जो नज़ारे मिल रहे थे पराग के वो बहुत ही खूबसूरत थे। आप दूर से गुजरते हुए देखते हैं चार्ल्स ब्रिज को और ऐसे ही सफ़र करते करते हम पहुंच जाते हैं पराग कैसल के बस स्टॉप पर। पराग कैसल के लिए जब आप आते हो तो ये स्टॉप जो है ट्रैम आपको यहाँ छोड़ती है और उसी के सीधे आपको जाना होता है पराग कैसल के लिए। ये जो रास्ता है ये पराग कैसल जाए। चलिए समझ लेते हैं पराग कैसल के मैप को। यहाँ पर टोटल 3 गार्डन है, पहला है रॉयल गार्डन, दूसरा है द साउथ गार्डन और तीसरा है स्टैगमोंट। यहाँ पर मॉन्यूमेंट भी काफी है और डिफरेंट सेगमेंट में इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम सीरीज वाइज में जाएंगे तो सबसे पहले हम घूमेंगे द पिक्चर गैलरी ऑफ पराग कैसल, उसके बाद हम जाएंगे सेंट वाइटस कैथेड्रल। सेंट वाइटस कैथेड्रल के बाजू में ही आपको मिलता है ग्रेट साउथ टावर, उसी के सामने हमको मिलता है ओल्ड रॉयल पैलेस, उसी के बाजू में हमें मिलेगा द स्टोरी ऑफ पराग कैसल, उसके सामने हमें मिलता है सेंट जॉर्ज बसिलिका। फिर थोड़ा आगे हम जाएंगे तो हमें मिलता है गोल्डन लेन। ये सारे सेगमेंट आज हम घूमेंगे और कौन से सेगमेंट में कितनी टिकट लगती है, कैसा दिखता है, कहां आपको टिकट लेने की जरूरत है, कहां आप नहीं लेंगे चलेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं गेट से। ये है पराग कैसल का गेट और यहाँ पर आपको मिलते हैं कैसल गार्ड जिसके साथ आप खड़े रह के फोटो खिंचा सकते हैं। हमने भी इनके साथ कुछ फोटोज लिए। गार्ड के साथ फोटो खिंचाने के बाद जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हमें दिखता है बहुत ही बड़ा कोर्टयार्ड। सिर्फ इतना बड़ा कोर्टयार्ड देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि पराग कैसल कितना बड़ा होगा और पूरा कैसल डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा होगा। ये कोर्टयार्ड में राइट साइड में आप टिकट निकाल सकते हैं और वहीं राइट साइड में आपको पिक्चर गैलरी मिलती है जो वन ऑफ द सेगमेंट है हमारा। चलिए पहले टिकट लेके फिर अंदर जाना होगा, देखते टिकट का चार्ज क्या है। टिकट के जो चार्जेस हैं कुछ इस प्रकार हैं। अगर आप बेसिक सर्किट करते हैं जिसमें 4 सेगमेंट आपको मिलेंगे देखने के लिए, जिसका चार्ज है 250 क्रॉन्स। अगर आप ये 2 सेगमेंट करते हैं तो इसका चार्ज रहेगा 200 क्रॉन्स। अगर आप सिर्फ एक ही सेक्शन करना चाहते हैं तो उसका चार्ज रहेगा 150 क्रॉन्स। अगर आप ये पूरा सेक्शन घूमना चाहते हैं तो आपको चार्ज होगा 600 क्रॉन्स। और भी जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। हमें चार्जेस वर्थ नहीं लग रहे थे तो हमें जितना फ्री टूर मिलेगा हम वो करेंगे और आपको भी कराएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्लीज मोटिवेट कीजिएगा। कोर्टयार्ड से हम पहुंचते हैं हमारे पहले स्टॉप सेंट वाइटस कैथेड्रल। इस कैथेड्रल का नाम वाइटस सेंट के ऊपर रखा गया है। वाइटस कैथेड्रल को 14 सेंचुरी में शुरू किया गया था और इसे कंप्लीट होने में 19 सेंचुरी तक लग गया था। इस कैथेड्रल का जो डिजाइन है वो गॉथिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। इस कैथेड्रल में पुराने जमाने में राजा और रानियों का अभिषेक होता था क्योंकि एक पवित्र स्थान था।
इतनी सुंदर कैथेड्रल को अंदर से देखने में और ही मजा आएगा। चलिए इसे अंदर से देखते हैं और टिकट के बारे में समझ लेते हैं। जैसे ही आप कैथेड्रल के अंदर जाते हैं तो आपको ये एहसास हो जाता है कि ये कैथेड्रल बहुत बड़ा है और काफ़ी ऊंचा है। ये पूरा डिज़ाइन किया गया है गॉथिक कल्चर के हिसाब से। यहाँ पर जो रंगीन शीशे हैं उनकी खिड़कियाँ हैं उसमें से अद्भुत रोशनी आती है, ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते। यहाँ के जो शीशे हैं वो अलग अलग धार्मिक कथाओं को दर्शाते हैं। आपका मन यहाँ पर बहुत शांत हो जाता है। यहाँ पर आपको मिलती है सेंट वाइटस की मूर्ति और उनकी समाधि। इसके अलावा यहाँ पर आपको कई चेक राजा और रानियों के अवशेष आपको मिलते हैं। जहाँ पर मैं खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ यहीं तक इसका फ्री एक्सेस था। हम लोग जितना फ्री एक्सेस है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे और जहाँ पर टिकट लगने वाली वो भी आपको बताएंगे। डिसीजन आपको करना है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। टिकट एक्सेस जो है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से पूरा राउंड लेके आके यहाँ का और ये जो सेंटर का जो है पूरा, ये पूरा आपको टिकट एक्सेस मिलता है। तो अगर टिकट एक्सेस आप करते हो तो इतना एरिया आप और एक्सेस कर सकते हो। हमें ज़रूरी नहीं लगा तो हम लोग ने नहीं लिया, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप टिकट एक्सेस लेके जा सकते हैं। कैथेड्रल के बाद अब हम चलेंगे ओल्ड रॉयल पैलेस और हिस्ट्री ऑफ पैलेस देखने के लिए। कैथेड्रल ये है वो कैथेड्रल जिसका हमने प्री एक्सेस लिया था और यहाँ से अगर आप जाते हैं तो आपको जो छोटे छोटे पैलेस है, रॉयल पैलेस, उनके जो पुराने पैलेस है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने मिलेंगी। यहाँ पे एंट्री सिर्फ टिकट वालों को है। ये देखिए ये पूरा यहाँ सब एंट्री करके पूरा एक्सेस ले सकते हैं। इस कोर्टयार्ड में आपको तीन सेगमेंट मिलते हैं। सबसे पहला आपको मिलता वाइटस कैथेड्रल का साउथ टावर, उसके सामने होता है रॉयल पैलेस और उसी के बाजू में हिस्ट्री ऑफ रॉयल पैलेस। तीनों सेगमेंट में जाने के लिए आपको एंट्री टिकट लेनी होती है, जो हमने नहीं ली है। तो हम चलते हैं आगे। जो वाइटस कैथेड्रल है उसके बाजू की लेन से ही आप जा सकते हो और वहाँ से पीछे से आप एंट्री करके आते हो तो आपके सामने ये सारे नज़र आते हैं। देखा, ही लाइक माई वीडियो, देखा उसने आपने बोला, तो आप भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाहर के लोग लाइक कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। ये है वाइटस कैथेड्रल का पिछले वाला हिस्सा तक तो आप आ सकते हो। वहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एंट्री करना होता है, जो ये बसीलिका है यहाँ पे एंट्री, लेकिन यहाँ पे टिकट लगती है तो हम खाली बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। बाहर से आपको बता सकता हूँ कि अंदर क्या क्या आपको मिल सकता है। तो अगर आपने टिकट नहीं लिया और आपको प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे आप डिसीजन लेने में थोड़ा आपको आसान हो जाएगा कि मुझे टिकट लेके अंदर जाना है कि नहीं जाना है। देखिए अंदर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर ये सारा उनका फोटोज़ वगैरह बाहर लगा हुआ है। देखिए एक उनका टॉम मिलेगा आपको देखने के लिए, ये टॉम मिलेगा देखने के लिए। तब इतना आपको व्यू मिल ही जाता है कि अंदर क्या है, तो अंदर जाके टिकट लेके खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हो। चलिए अब हम दूसरा सेक्शन में जाते हैं। यहाँ से अब हम जाएंगे पराग कैसल की सबसे फेमस जगह जो है गोल्डन लेन, जहाँ पर एक ज़माने में सोनार रहते थे। उसी के सामने है रोजनबर्ग पैलेस, जहाँ पर आपको ऐतिहासिक चीज़ देखने के लिए मिलती है। देखिए पीछे पीछे से जो जितनी बिल्डिंग्स हैं, अगर इसको आप सब एक्सेस करने जाएंगे तो आपको एक दिन नहीं, आपको दो से तीन दिन चला जाएगा। हम लोग जो मेन है अट्रैक्शन, हम लोग वही देख रहे हैं और आपको दिखा रहा हूँ। अभी जो एंट्री आपको दिख रही है, यहाँ पे अगर आपको एंट्री करनी हो तो अगर आपके पास टिकट्स हो तो ही आप एंट्री कर पाओगे। यहाँ पर जो लिस्टों के नाम भी आपको स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे एंट्री, हमने टिकट नहीं लिए तो हमको वहाँ पे एंट्री नहीं है, तो हम लोग बाईपास होकर नीचे वापस जा रहे हैं जहाँ से हमने राइट लिया था यहाँ पर आने के लिए। तो यहाँ पर भी हमारा एंट्री एक्सेस नहीं था और यहाँ पर अंदर क्या है वो मुझे भी पता नहीं है। अंदर जो ऑप्शन जो डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, जो स्क्रीन पे आ रहा है, वही चीज़ अंदर है। अगर आप अंदर से देखना चाहो ये सारी चीज़ें तो देख सकते हो, लेकिन हमारे पास बाहर ही देखने के लिए बहुत कुछ था। वहाँ से हमने किया था एंट्री और वहाँ अंदर जाके है एंट्री के लिए। ये लापोविस पैलेस, इधर नीचे यहाँ पर म्यूज़ियम है उनका, वहाँ पर एंट्री टिकट है, लेकिन और रेस्टोरेंट भी है। हम लोग अंदर तक जाके आए, हम लोग कुछ सुविनियर्स हैं, सुविनियर्स का शॉप है। यहाँ से आपको नीचे ऊपर से चलते चलते आपको नीचे आना है।
यहाँ से अब हम निकल जाते हैं पराग कैसल के बाहर, और बाहर निकलते ही हमें दिखता है बहुत ही खूबसूरत पैनोरामिक व्यू पराग सिटी का। बाहर निकलने के बाद यहाँ का व्यू आपको कंपलसरी एंजॉय करना चाहिए, जो एग्जैक्टली आपके गेट के सामने से दिखता है। यहाँ पर पूरा एंजॉय करने के बाद अब हम चलेंगे साउथ गार्डन में, जो कि फ्री एक्सेस है। इसी लेन में आगे जाके हम बाहर निकल के बाकी के कैसलों को देख सकते हैं। ये गार्डन काफी बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। इस गार्डन से भी आपको पूरे पराग शहर का पैनोरामिक व्यू मिलता है। अगर आप इमेजिन करेंगे तो पूरे पराग कैसल में ये साउथ गार्डन एक बहुत ही हिस्सा कवर करता है। यहाँ पर स्टैचू और फाउंटेन होने की वजह से इस गार्डन की सुंदरता और बढ़ जाती है। यहीं पर ख़त्म होता है हमारा पराग कैसल का टूर। चलिए बाहर जाके देखते हैं। साउथ गार्डन से निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं पूरा कैसल डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे काफ़ी सारे कैसल आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहीं पर आपको मिलेगा पराग कैसल का दूसरा एंट्री पॉइंट। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारे कैसल हैं, जिसका नाम आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। जो पराग कैसल है, इसीलिए इसको जीनियस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम है। ये कैसलों का पूरा गांव है, जैसे पराग कैसल, स्वर्ग की पैलेस कैसल। मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। अगर आप आते हैं तो आपको पराग कैसल घूमने में ही इतना टाइम लग जाएगा कि आप पूरा घूम भी नहीं पाओगे। तो अगर आपके पास समय रहे तो आप ये सारे पैलेस एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खाली एक ही पैलेस एक्सप्लोर कीजिए, वो भी विदाउट टिकट, जैसे हमने एक्सप्लोर किया। दोस्तों, पराग कैसल जब आप घूमो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, और वीडियो देखने से आपका समय काफ़ी बचेगा। तो थोड़ा सा वीडियो आप देख के फिर आप पराग कैसल घूमोगे तो आपको घूमने में अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा, इसलिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना आप। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और कुछ कमी लगे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं इम्प्रूव कर सकूं, और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पराग सिटी के बाकी की जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।